Assalamualaikum, welcome back to my channel. Another day, another vlog. और हम लोग आज आ गए हैं जी गेटवे मॉल. और आज ना आपको एक चीज़ बताऊँ कि लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है वो मैं बस पे आई हूँ. और मैं आज तक वैसे इस मॉल पे ना बस पे नहीं आई, लेकिन इंसान की लाइफ है, इंसान को जो है हर चीज़ को सीखना चाहिए कि बस से कैसे जाना है. ट्रेन पे तो नहीं यहाँ पे आ सकता बंदा, लेकिन बस से वाकई इट्स रियली चीप. मतलब आप $2, मैंने $2 भी नहीं कॉइन दिए थे, $1 समथिंग के. तो $1 समथिंग में देखे मैं मॉल पे पहुंच गई उधर. और अभी जो है वो मैं, मुझे ना होम डिपो का सबसे बेस्ट एरिया जो होता है ना ये साइड वाला लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स, जो आउटडोर्स के फ्लावर्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, उन्होंने रखे होते हैं. ये जो बेसिकली होते हैं इनकी प्राइसेस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होती हैं. एक एक जो फ्लावर का जो होता है ना, मतलब आप गमला कह लें कि इन लोगों ने सजावट के लिए जो रखे होते हैं, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है. और ये आई थिंक सीजनल होते हैं, मैंने कभी लिए नहीं इस वजह से मैं आपको कुछ नहीं कह सकती. लेकिन यहाँ पे वेजिटेबल्स और कैप्सिकम और टमाटो और इन सब के जो है ना प्लांट्स यहाँ पे पड़े होते हैं. स्पेशली मुझे बेल पेपर का प्लांट बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेल पेपर जो है ना वो मेरी फेवरेट है. और इस साइड पे जो है ये देखें आप, ये भी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स है. अच्छा, इवन ना इन लोगों ने धनिया नहीं होता वो भी लगा के रखा हुआ था. तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को थोड़ी सी ये वीडियो दिखा देती हूँ. और इनकी प्राइसेस देखें, 22.98, मतलब एक एक जो प्लांट है ना, कुछ कुछ प्लांट्स तो इस तरह के हैं कि $35 $45 है. तो आप सोचें कि ये कितनी मतलब हाई प्राइस इन लोगों ने रखी हुई है. और लोग ले भी रहे होते हैं, ज़ाहिर है इन लोगों ने जो प्राइस रखी होती है. हम लोगों ने यहाँ से लिया है जी कार्ड, और अभी हम लोग आ रहे हैं टारगेट. अच्छा, बेसिकली मैंने टारगेट से एक तो मैंने पर्दे देखने थे, लेकिन शुरू में जो है ना ये नेल पॉलिश मैंने ली नहीं थी, बट सामने पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दी, क्योंकि कितने प्यारे प्यारे ना, समर है तो उसके लिहाज से इन लोगों ने देखे जैसे नेल पॉलिश में ब्लैक कितना अच्छा लगता है, येलो, अच्छा शॉकिंग पिंक, ऑरेंज, आप कहते हैं सी ग्रीन, और इसके साथ साथ जो है ऑफ वाइट. मतलब सारे कलर इतने अच्छे थे ना कि अगर बंदा कहे कि सारे कलर ही बंदा ले ले, सही बात है, बहुत प्यारे थे. सो मैं लूँगी, लेकिन चले बाद में लूँगी, अभी नहीं ले रही. और मुझे बेसिकली कलर्स हेयर कलर ही चाहिए था और यहाँ पे, ताकि अगर आप ना एक लेंगे तो फिर सेकंड जो होगा ना उसका 25% ऑफ होगा. तो मोस्टली मैं रेवलॉन का जो है अमोनिया फ्री जो कलर है ना वो यूज़ करती हूँ, और वो बहुत अच्छा है. एक तो उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो केमिकल्स भी उसमें कम होते हैं. और ये जो शैम्पू है जी, ये देखें, मैं आपको दिखाया था कि मैंने बर्लिंगटन से आई थिंक मैंने लिया था $5 का, और यहाँ पे जो है ना ये ऑलमोस्ट जो है वो $11 का है. तो फिर आप प्राइस डिफरेंस देखें. और ये जो मोप है ये $38.99 का और $49.99 का लगा हुआ था यहाँ पे. और मैंने लेना है, लेकिन अभी मैं नहीं ले रही, क्योंकि आपका होता है ना कि आपका एक बजट होता है. अभी मैं जो चीज़ें लेने के लिए आई थी वही मैंने लेनी है. और यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये टी शर्ट्स थी, प्लेन टी शर्ट जो है ना वो $8 की लगी हुई थी, और इसके साथ साथ जो है ग्राफिक्स वाली जो है $12.99 थी. अच्छा, मेन मुझे चाहिए थे अजलान के कपड़े चाहिए थे और हमजा के कपड़े चाहिए थे. लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें, मुझे उनकी ना ड्रेस शर्ट चाहिए थी कॉटन में ना, कि अच्छी सी एक शर्ट हो, जैसे नहीं होती कॉलर हो और बटनों वाली. लेकिन मुझे अजलान की साइज़ की कोई शर्ट नहीं यहाँ पर नज़र आ रही थी. और कपड़े जो है ना, मतलब लोगों ने क्या कहते हैं कि वॉश कर दिए थे, ले लिए थे. और उन्होंने सामने जो टी शर्ट्स रखी हुई थी, हालांकि समर है, और आप देखिए उन्होंने स्लीव्स वाली रखी हुई थी. और इसके साथ साथ मुझे खैर फिर एक उसकी ये वाली पैंट मैंने सोचा कि ले लेती हूँ. और फिर उसके साथ जो है वो, अब क्योंकि मुझे ड्रेस शर्ट नहीं मिली थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ना इसको ले देते हैं, टी शर्ट ले देते हैं. और ये टी शर्ट्स मुझे अच्छी लग रही थी, स्पेशली ये जो ऑरेंज और येलो स्ट्राइप वाली थी ना, ये बहुत अपील कर रही थी. और मुझे चाहिए था जी बेलना, मैंने ऑनलाइन देखा था कि यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं ढूंढ रही थी. जब मैं उनसे बोलती थी कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कहते हैं नहीं नहीं वॉल के ऊपर लगी हुई है, वॉल के ऊपर लगी हुई है. बाहर मुझे तो कोई नज़र नहीं आई, और वॉल पे कहाँ लगी हुई थी, आई डोंट नो. तो बेलना भी रह गया जी. और इसके साथ साथ मुझे कुछ और किचन के लिए भी चीज़ें चाहिए थी, और पिलोज तो मुझे चाहिए, लेकिन वही बात है कि प्राइस इतनी हाई है. इवन आपके प्लांट्स देखें, जो प्लांट्स पड़े हुए हैं ना वो $35 $30 $40. अब आप कहेंगे कि कंजूस हूँ, मैं कंजूस नहीं हूँ, बिकॉज़ आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं. और
सन तो होती है, और कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो इंसान की ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि जो तो ख़त्म ही नहीं होती। अब आप देखें यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि जो बंदा ना ले, बंदे का दिल करता है कि बंदा सब जो है ना, अब जैसे मुझे ये केक रखने वाला जो ये स्टैंड होता है ये भी मुझे चाहिए, लेकिन लेते लेते फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा रहने दो जी नहीं लेते खामखा जो है ना। और मुझे जो है शुगर के लिए जो है वो और मिल्क के लिए जो है ये सारा कुछ चाहिए था, लेकिन प्राइसेस वही बात है, अगेन आप कहेंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा थी। और मैंने ली थी कुछ चीज़ें, एक मैंने बाउल लिया था और सैलड वाला बाउल ना, और इसके साथ साथ जो है वो मैंने एक और प्लांट भी लिया था, वो $20 का था, लेकिन वो बिल्कुल मतलब ना देखने में लग रहा था कि जैसे रियल नहीं होते प्लांट इस तरह का, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि देखने में लगे, क्योंकि मेरे पास पहले मनी प्लांट था जब मैं छोटे अपार्टमेंट में होती थी, तो जब ना मैं मूव हुई तो ये पर्दे देखें आप, अब पर्दों की कहानी मैं आपको सुनाऊं कि आपने मेरी अगर आगे की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि मैंने रूम में जो पर्दे लगाए हैं दैट वाज फ्रॉम द लोकल स्टोर, और वो पर्दे इतने अच्छे हैं, उनकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक एक पर्दा जो है ना वो $25 से $30 और $40 $50, तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अब मैंने चार पर्दे लेने थे, तो अगर आप चार पर्दों पे फिर जाएं तो चार पर्दों की जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो जी, अब यहाँ से एक तो पसंद भी नहीं आ रहे और जो पसंद आ रहा है वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, सो इससे अच्छा है कि फिर मैं लोकल स्टोर पे अगेन जाऊँगी और वहाँ पर जाके जो है ना वो इनके पर्दे ले आऊँगी। बल्कि अभी समर वेकेशन हो गई है तो अभी फिर यही कि पोस्टपोन कर देते हैं और वेकेशंस के बाद जो है ना फिर देखेंगे कौन सा पर्दा लेना और क्या करना है, लेकिन ये अच्छे थे, बट कोई बात है कि हमें बस जल्दी मिल गई थी आज, राइट? आज हम लोग लकी है ना, जाते हुए भी हमें बस जल्दी मिल गई है, और हम लोग जब स्टॉप पे पहुँचे हैं ना तो बस फ़ौरन से आ गई थी। सो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस के मॉल पे जो है वो बस पे जाना, इट्स वेरी नाइस, और मतलब इतना टाइम भी नहीं लगा, ट्रैफिक भी नहीं थी, और शॉपिंग भी बहुत अच्छी हो गई, जो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो यहाँ से मिल गई, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर तो सकते हैं, स्पेशली अगर हम लोग ग्रॉसरी का बोलें तो समटाइम्स आपको फ्रेश नहीं वो लोग भेजते, और बाकी चीज़ें भी कपड़े सम आप ऑनलाइन साइज़ समटाइम्स आपको कपड़े का स्टफ भी पसंद होता है, तो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टोर पर जाके जो है ना वो शॉपिंग करूँ। लेकिन जी बारिश शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, शुक्र है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट घर के पास पहुँच गए और बारिश शुरू हो गई है ना, सो होपफुली आपको हमारा आज का शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, क्योंकि 4 जुलाई सामने है ना, तो इस वजह से ये आपको आवाज़ें आती ही रहेंगी। अभी अल्लाह हाफिज़ और फी अमान अल्लाह, और आप लोगों ने जो है ना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।